सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 27 को रीड करके बता दीजिए क्या कहते हैं। If the sum of p terms of a p is q and sum of q terms is p, then sum of p plus q will be. ये भी क्या था zero? नहीं नहीं उसमें ये था कि सम ऑफ p टर्म्स जो है वो सेम इक्वल होती है सम ऑफ q टर्म्स के। हाँ ये अलग है, ये अलग है। फटाफट अभी करना शुरू कर देते हैं इसको। देखिए इसमें करना क्या है, सम ऑफ p हमें कितना दिया हुआ है, तो q इक्वल टू इसका मतलब एस पी की वैल्यू q दिया हुआ है एंड सम ऑफ q टर्म्स एस q की जो वैल्यू है वो p दिया हुआ, राइट? हाँ जी। हम दोनों इक्वेशन के हेल्प से क्या करेंगे, a और d की वैल्यू निकालेंगे। देखिए कैसे निकालेंगे, एस पी इक्वल टू क्यू है तो हम q इक्वल टू लिख सकते हैं p बाई टू इंटू टू ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी जी, और जो एस क्यू है एस क्यू की वैल्यू p है तो हम यहां से p इक्वल टू लिख सकते हैं q बाई टू इंटू टू ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी। जी यहां से हमारा बन जाएगा टू ए क्यू इक्वल टू 2ap plus p into p minus 1 into d, और ये बन जाएगा 2p, एक मिनट रुक जाइए, यहाँ पे सिर्फ 2q बनेगा तो a कहाँ से आ गया था, 2q यहाँ पे भी बनेगा 2p, 2p equal to आ जाएगा 2aq plus q into q minus 1 into d। हाँ दोनों का ऐड कर लेते हैं, ऐड करने से कुछ नहीं मिलेगा। अच्छा सबसे पहले क्या करो, किसी एक इक्वेशन को मल्टीप्लाई डिवाइड वगैरह कुछ कर लो जिससे कि कोई एक टर्म इलिमिनेट हो जाए। इस इक्वेशन को क्यू के साथ मल्टीप्लाई कर लो और इस इक्वेशन को पी के साथ मल्टीप्लाई कर लो। अच्छा तो ये आपका बन जाएगा टू क्यू स्क्वायर इक्वल टू टू ए पी क्यू प्लस क्यू पी इंटू पी माइनस वन इंटू डी। जी और नीचे वाला इक्वेशन बन जाएगा 2p स्क्वायर इक्वल टू 2apq प्लस pq इंटू क्यू माइनस वन इंटू डी। आप डिवाइड कर लो दोनों को। डिवाइड क्यों करोगे, माइनस कर लो। अरे हाँ माइनस कर लो, तो जब माइनस करोगे तो ये चला जाएगा, a वाला टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, यहां से आपके पास डायरेक्ट d की वैल्यू आ जाएगी। हाँ ये हो जाएगा 2q स्क्वायर माइनस 2p स्क्वायर इक्वल टू, ये टर्म कैंसिल आउट हो गया, यहां से आ गया qp इंटू पी माइनस वन इंटू डी माइनस पी क्यू इंटू क्यू माइनस वन इंटू डी। हाँ जी ये बन जाएगा 2 इंटू क्यू प्लस पी इंटू क्यू माइनस पी इक्वल टू, यहां से देखिए पी क्यू कॉमन आ गया ना। हाँ जी और डी भी कॉमन आ गया तो पी क्यू डी इंटू पी माइनस वन, पी प्लस क्यू पी माइनस क्यू कॉमन आ जाएगा। फिर से बोलो, पी माइनस क्यू कॉमन लेके काट दो दोनों साइड से, तो पी माइनस क्यू इसके साथ माइनस आ जाएगा ना बाहर एक। हाँ तो यहाँ पे माइनस लगा लो, यहां से आपको डी की वैल्यू क्या आती है, यहां से डी की वैल्यू आ गई माइनस का 2p plus q upon p cube, ये आगे d की वैल्यू, तो ये आ जाएगा माइनस टू इंटू पी प्लस क्यू इक्वल टू पी क्यू डी, और यहां से d की वैल्यू आप लिख सकते हैं माइनस टू इंटू वन बाय क्यू प्लस वन बाय पी। हाँ अब जब इतना आ गया तो इसके बाद आप a की वैल्यू निकाल लीजिए फटाफट। क्वेश्चन क्या था, सर इक्वेशन क्या थी? अब इक्वेशन के लिए तो हम सारा इरेज करना पड़ेगा हमें। अरे नहीं नहीं दे, ये था इक्वेशन, फिर इसमें ये फिट करना है अभी। हाँ इस इक्वेशन में फिट करो ना। ओके
ए की वैल्यू आ गई सर क्यू प्लस पी का होल स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में पी प्लस क्यू प्लस पी क्यू डिनोमिनेटर में 2 पी क्यू सारे के। रुक जाओ। इस इक्वेशन में किस इक्वेशन में पुट किया हो? एक वो मैं सोच रहा हूँ हाँ पहले वाले में तो ये होगा 2q इक्वल टू 2ap प्लस p इंटू पी माइनस 1 इंटू डी के जगह पे कितना पुट किया हो? 2 2 into p plus q upon p q माइनस 2 इंटू 1/p प्लस 1/q, शायद ये पुट किया हो ना? हाँ हाँ यही क्या बाद में मैंने साइन बदल दिया था ये फिर मैंने क्या किया ये जो ये ये 1/p प्लस प्लस 1/q आता है या 1/p माइनस 1/q आता है? 1/p plus 1/q था ठीक है। ये देखो ये मैंने ऐसा कर दिया हाँ। फिर मैंने 2 काट दिए सारे फिर अभी ये हो गया क्यू इक्वल टू एपी माइनस पी इंटू पी माइनस वन इंटू पी प्लस क्यू अपॉन पी क्यू ये है। अभी फिर मैंने इससे आगे क्या किया है पी कॉमन ले लिया आप लिख दो रुक जाओ, फिर ना ये ऐसे में ये बड़ा लंबा चला जा रहा है, हम जो है कुछ और करेंगे इसका। इतनी लंबी चौड़ी सॉल्व करना मुश्किल हो जाता है क्षितिज। फिर क्या करें एज्यूम कर लें अच्छा रुक तो जाओ, जूम जूम कुछ नहीं करनी है, सम ऑफ पी प्लस क्यू निकालनी है ना? जी हाँ जी, मैंने जी एक बार फिर से इक्वेशन लिख रहा हूं, हो सकता है इक्वेशन लिखते लिखते कुछ पता लग जाए। पी टर्म्स जो है हमारे पास क्यू है, मतलब क्यू इक्वल टू पी बाय टू इंटू टू ए प्लस पी माइनस 1 इंटू डी, ठीक है? जी और यहां से आ जाएगा 2q/p इक्वल टू 2a प्लस पी माइनस 1 इंटू डी। जी कोई दिक्कत है इसमें? इसी तरह दूसरा इक्वेशन जो बन जाएगा वो बन जाएगा 2p/q इक्वल टू 2a प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी। देखो तो कोई ठीक है दिक्कत। दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो ये बन जाएगा 2q/p माइनस 2p/q इक्वल टू डी इंटू पी माइनस 1 माइनस क्यू प्लस 1। हाँ जी और यहां से बन गया 2 इंटू q² माइनस p² डिवाइडेड बाय p³ इक्वल टू डी इंटू पी माइनस क्यू, हाँ जी और ये बन जाएगा 2 इंटू q-p इंटू q+p डिवाइडेड बाय pq इक्वल टू d- d इंटू q-p। q हाँ जी माइनस पी कैंसल आउट हो गया और यहां से d की वैल्यू आ जाएगी माइनस 2 इंटू p+q डिवाइडेड बाय pq। ये तो वही चीज है ना? हाँ जी ठीक है, ये डी की वैल्यू नोट कर लीजिए। तो अब कर ली सर इस इक्वेशन में हम डी की वैल्यू पुट करने जा रहे हैं। अपना पहले भी यही आया था हाँ, अब बता दीजिए तो डी की वैल्यू क्या आई है? -2 into p plus q by pq -2 into p plus q डिवाइडेड बाय pq। 2 काट दो चलो 2 काट दो, तो ये बन जाएगा q/p इक्वल टू ए प्लस वन ये माइनस हो पी इंटू पी प्लस क्यू डिवाइडेड बाय pq। माइनस हो जाएगा वो माइनस का 2 था ना वहां पे हाँ, माइनस हो जाए। अरे इसीलिए तो 1 माइनस पी कर दिया इसको।
हाँ ठीक। अब क्या करो, यहां पे क्यू के साथ मल्टीप्लाई कर लो, तो डिवाइड कर लो, अच्छा ठीक है। जी अब इसका जो है ये टर्म बन जाएगा क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय पी स्क्वायर माइनस वन माइनस पी इंटू पी प्लस क्यू डिवाइडेड बाय पी क्यू इक्वल टू ए, जी सॉरी ये पी क्यू है, पी क्यू यहां से कॉमन आ जाएगा, ये बचेगा क्यू स्क्वायर माइनस पी प्लस क्यू माइनस पी स्क्वायर माइनस पी क्यू इक्वल टू ए। ओके और ये बन जाएगा क्यू स्क्वायर माइनस पी माइनस क्यू प्लस पी स्क्वायर प्लस पी क्यू डिवाइडेड बाय पी क्यू। मैंने इसमें प्लस पी क्यू माइनस पी क्यू कर दिया न्यूमिरेटर में। क्यों करना, हमें जरूरत थोड़े है कि इसको उस फॉर्म में लिखें, हम तो जितना अच्छा सिंपलेस्ट रखेंगे उतना आसान रहेगा, क्योंकि आगे इसकी कटिंग वगैरह होगी। अच्छा मैंने आइडेंटिटी बना दी थी। चलो ये ए की जो वैल्यू है वो बन जाएगा आपका क्यू स्क्वायर माइनस प्लस पी स्क्वायर प्लस पी क्यू माइनस पी माइनस क्यू डिवाइडेड बाय पी क्यू, ठीक है। जी ए की वैल्यू आपके पास है, डी की वैल्यू आई हुई है माइनस टू टाइम्स पी प्लस क्यू डिवाइडेड बाय पी क्यू। हाँ जी अब आपसे कहा गया सम ऑफ पी टर्म्स, तो ये आ जाएगा टू पी प्लस क्यू डिवाइडेड बाय टू इंटू टू टाइम्स ए, तो टू इंटू क्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस पी क्यू माइनस पी माइनस क्यू डिवाइडेड बाय पी क्यू, टू आ गया प्लस एन माइनस वन मतलब पी प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी, डी के जगह पे है माइनस टू इंटू पी प्लस क्यू डिवाइडेड बाय पी क्यू। जी सॉल्व कर लो इसको। ये तो पहले काट, यहाँ पे करो माइनस आ चक्को आ चक्को आ चक्को उन क्यू स्क्वायर। देखो हाँ जिसका मेरे को समझ लग गया, अगर मैं क्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस पी क्यू माइनस का क्यू माइनस वन इंटू पी प्लस क्यू, तो ये आ जाएगा क्यू माइनस पी, नहीं पी माइनस क्यू। चेक कर लीजिए कौन सा ऑप्शन आता है। माइनस वन इंटू पी प्लस क्यू, हाँ वो रहा ऑप्शन डी, चेक कर लीजिए आंसर। वही है। चलिए क्वेश्चन को क्लोज करो। हाँ जी।